हेलो स्टैंडअप फाइव। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है सॉइल एंड रॉक्स। ठीक है, सॉइल मींस तो ये आप लोग जानते हैं बच्चों, मिट्टी को हम लोग सॉइल बोलते हैं और रॉक्स। सॉइल एंड रॉक्स आर वेरी नेसेसरी फॉर अस। मिट्टी के बारे में पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े बच्चों कि मिट्टी हमारे लिए कितनी जरूरी है। मिट्टी में ही हमारे प्लांट ग्रो करते हैं और भी कितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने छोटे मोटे उनका घर ही मिट्टी होता है बच्चों। और नेक्स्ट है रॉक। हमारा अर्थ क्या है बच्चों? रॉक से बना हुआ है। ठीक है, हमारे अर्थ पे बहुत सारे रॉक्स भी पाए जाते हैं, बहुत तरह के पत्थर पाए जाते हैं और पत्थर बहुत सारे मिनरल्स के द्वारा बने होते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों में भी पढ़ते हैं, सुनते हैं बच्चों कि हमें थोड़े बहुत मिनरल्स की जरूरत होती है, जैसे पोटाशियम हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, बहुत सारे ये सब मिनरल्स हैं। इसके अलावा भी डेली लाइफ में, खाने में भी, फूड में भी हमें कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है बच्चों, जैसे आयरन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप आयोडीन हो गया बच्चों, कैल्शियम हो गया, कुछ ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिसकी डिफिशियंसी अगर हमारे बॉडी में हो जाए तो उससे रिलेटेड बीमारी हो जाती है। आयरन की जरूरत हमें ब्लड के फॉर्मेशन के लिए होता है बच्चों। आयोडीन की कमी अगर हो जाए तो हमें उससे रिलेटेड, आपने ग्वाइटर की बीमारी सुनी होगी बच्चों, उस वो हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे थोड़े बहुत और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी को इसकी जरूरत होती है, जिसे कि अगर हमें डेली लाइफ में भोजन के रूप में थोड़ा थोड़ा लेते हैं ताकि हम एक बैलेंस डाइट ले सकें बच्चों। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सॉइल एंड रॉक्स आर वेरी नेसेसरी। ये भी सर्वाइव करने के लिए अर्थ पे हमें जरूरी होती है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है कि रॉक भी बहुत तरह के बच्चों होते हैं। मेनली मुख्यतः हमारे अर्थ पे 3 types of rocks पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़े कि किस तरह से सॉइल एंड रॉक्स, सॉइल हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। पिछले चैप्टर में भी पढ़े हम लोग बच्चों, रॉक्स के बारे में पढ़े, मिनरल्स के बारे में पढ़े, कुछ ऐसे मिनरल के बारे में पढ़े जैसे कि आपका आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, आपकी आयरन की कमी अगर बॉडी में हो जाए तो इसके बारे में पढ़े। तो इस चैप्टर को आप फिर से क्लास में दोबारा अपने घरों में भी पढ़िएगा बच्चों। अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि ठंड के कारण आपकी ऑनलाइन क्लासेस बढ़ गई बच्चों। ठीक है, नहीं तो आज हम लोग जरूर मिलते, आज आपकी छुट्टियां खत्म हो जाती तो हम लोग आपस में क्लास में बैठ के डिस्कस करते इस सब टॉपिक के बारे में बच्चों, अच्छे से पढ़ते, आपको भी हम स्कूल आने में मन लगता बच्चों, अपने फ्रेंड से मिलते, अपने दोस्तों से मिलते। बहुत दिन से आप लोग अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल पा रहे होंगे, लेकिन ठंड की वजह से आपकी छुट्टियां बढ़ती जा रही है बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। तो इस तरह से आप लोग अपने घरों में ही पहले के भी जो चैप्टर हैं, आपके जब छुट्टियां खत्म होगी, खुलेंगी तो आपकी एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे बच्चों। तो आपके पहले के आफ्टर हाफ ईयरली जितने चैप्टर स्कूल में भी हॉलीडे के पहले पढ़ाए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाए गए हैं बच्चों, उसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, डेली पढ़िएगा बच्चों। इससे होगा क्या, खुलने के बाद जब स्कूल खुलेगी तो आप लोगों का जब एग्जाम होगा बच्चों, तो आप अच्छे से, अच्छा मार्क्स लाना है ना, इस बार फर्स्ट करना है ना, अच्छा मार्क्स लाना है ना बच्चों, इसके लिए आपको डेली सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा बच्चों। तो इसके लिए पढ़िएगा घरों में जितने भी चैप्टर आफ्टर हाफ ईयरली हम लोग क्लासेस में पढ़े हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े हैं, उसको डेली से रिवाइज करेंगे और इसी तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे एक एक टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे बच्चों। और ये हम लोग गॉड से प्रे करेंगे कि ठंड कम हो और हम लोग जल्दी आपस में एक दूसरे से मिले। ठीक है, नेक्स्ट डे अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से 3 types of rocks हैं जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं।
नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू. ओके बाय स्टैंड अप 5.